ये दास्तां है एक बड़ी जबरदस्त गायिका की जिनका नाम सुधा मल्होत्रा। इनके जन्म की तारीख है 30 जनवरी सन 1936। यह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करती थीं और शहर था लाहौर। यह सब तब चल रहा था जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। सुधा मल्होत्रा उन गिनी चुनी गायिकाओं में से हैं जिन्होंने अपने वक्त के सबसे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। जब सुधा मल्होत्रा ने एक चैरिटी फंक्शन के लिए गाना गाया तब उस जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने कहा था कि ये लड़की आगे जाकर बड़ी जबरदस्त गायिका बनेगी। सुधा मल्होत्रा उस वक्त अक्सर मुंबई आया करती थीं छुट्टियां मनाने के लिए और इनकी एक रिश्तेदार उस जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास को अच्छी तरह पहचानती थीं। उन्होंने सुधा का तारुफ करा दिया अनिल दा से और तब अनिल विश्वास ने सुधा मल्होत्रा जी को आरजू फिल्म में ब्रेक दिया। गाना था मिल गए नैन। उसके बाद पीएन अरोड़ा, एआर करदार और भी लोगों ने इन्हें बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करने के लिए दिए। मुझे तर के तालुक के लिए समझाया जाता है, मुझे तर के तालुक के लिए समझाया जाता है। सुधा मल्होत्रा ने विधिवत तरीके से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया। इनके गुरु रहे लक्ष्मण प्रसाद जयपुरवाला, अब्दुल रहमान खान और पंडित अमरनाथ। अभी सुधा मल्होत्रा शोहरत की ऊंचाइयां छू ही रही थीं कि इनकी जिंदगी में शादी ने दखल दिया। इनकी शादी हुई एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार में जो कि उस वक्त के शिकागो रेडियो बिजनेस के कर्ता धरता थे। अक्सर आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि माइक पे लिखा हुआ है शिकागो। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी शिकागो के ही माइक्रोफोन्स यूज हुए थे। मिस्टर मोतवाने से इनकी शादी हुई जिन्हें ये बचपन में ही जानती थी। साल था सन 1960। शादी के बाद ये धीरे धीरे फिल्मों से दूर हो गईं। सुधा मल्होत्रा जी ने रफी साहब, किशोर दा और मन्ना बाबू जैसे दिग्गज गायकों के साथ दो गान गाए हैं। यकीनन शादी के बाद सुधा मल्होत्रा फिल्मों से जरूर दूर हो गईं, लेकिन संगीत कभी भी इनकी जिंदगी से दूर नहीं हुआ। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सुनहरे दौर को लिखा जाएगा तब तब सुधा मल्होत्रा का नाम उसमें शामिल किया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।